अगर आप मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 3 मिनट 45 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो में कलेक्शन के बाद मैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी शेयर करूंगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो कि रिलीज हुई थी 28 जुलाई 2023 को, मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को रेटिंग और रिव्यूज काफी अच्छे दिए गए थे, यानी कि इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। बात करें स्क्रीन काउंट्स की तो मूवी को इंडिया में लगभग 3200 स्क्रीन्स पे इंडिया पे रिलीज किया गया था और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में लगभग 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 4200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। बता दें कि करण जौहर ने अपनी जो आखिरी मूवी डायरेक्ट की थी इस मूवी से पहले वो थी साल 2016 में। मूवी का नाम था ए दिल है मुश्किल। अगर आप लोग ए दिल है मुश्किल का लाइफ टाइम कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि ए दिल है मुश्किल के बाद भी करण जौहर ने 2 मूवीज को और डायरेक्ट किया था। एक तो आई थी साल 2018 में लस्ट स्टोरीज और एक आई थी साल 2020 में घोस्ट स्टोरीज। हालांकि वो दोनों फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी, लेकिन उन दोनों ही फिल्मों में करण जौहर ने कुछ कुछ पार्ट्स को डायरेक्ट किया था। लेकिन अगर हम थिएट्रिकल्स की बात करें तो करण जौहर ने लगभग अपनी लास्ट फिल्म ए दिल है मुश्किल के 7 सालों के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डायरेक्ट किया था। इस मूवी के राइटर्स की बात करें तो बता दें कि इसकी स्टोरी एंड साथ ही स्क्रीन प्ले किया था इशिता मोइत्रा, सुमित रॉय एंड साथ ही शशांक खेतान ने। वहीं अगर हम डायलॉग्स की बात करें तो वो लिखे थे इशिता मोइत्रा ने। मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो बता दें कि इस मूवी को करण जौहर एंड साथ ही अपूर्व मेहता इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की तो वो है धर्मा प्रोडक्शंस एंड साथ ही वायाकॉम 18 स्टूडियोस। इन दोनों बैनर तले इस मूवी को मिलकर प्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए अब इस मूवी से जुड़ी कास्ट यानी कि कलाकारों के बारे में जानते हैं। तो मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी, चुरनी गांगुली, नमित दास, तोता रॉय चौधरी, आमिर भाशिर, अंजलि आनंद, इनके अलावा इस मूवी के अंदर काफी सारे टेलीविजन की कास्ट भी नजर आई थी, जैसे कि भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, अरिजीत सिंह, श्रीति झा, श्रद्धा आर्या, राज सिंह अरोड़ा, अर्जुन बिजलानी एंड क्षिति जौग, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। और इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 8 सितंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए अब वक्त आ चुका है मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से जुड़े लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और वर्डिट के बारे में जानने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 11 करोड़ 10 लाख रुपए की, 11 करोड़ 10 लाख रुपीज की। अगर बात करें फर्स्ट वीकेंड यानी कि पहले 3 दिनों की, फ्राइडे सैटरडे संडे के नेट कलेक्शन की, तो मूवी ने अपने पहले 3 दिनों में इंडिया में टोटल 45 करोड़ 90 लाख रुपए की नेट कलेक्शन की थी, 45 करोड़ 90 लाख रुपीज की। इस मूवी ने इंडिया में अपने पहले 7 दिन यानी कि फर्स्ट वीक में टोटल जो नेट कलेक्शन किया था वो था 73 करोड़ 33 लाख रुपए का, 73 करोड़ 33 लाख रुपीज का। मूवी ने इंडिया में अपना जो लाइफ टाइम टोटल नेट कलेक्शन किया था वो था 153 करोड़ 60 लाख रुपए का, 153 करोड़ 60 लाख रुपीज का। इसी के साथ इस मूवी ने इंडिया में अपना लाइफ टाइम टोटल जो ग्रॉस कलेक्शन किया था, ग्रॉस यानी
यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 182.86 करोड़ रुपए का, 182.86 करोड़ रुपीस का। अगर इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वो बहुत ही धमाकेदार था। बता दें कि मूवी ने अपना ओवरसीज में जो लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 172.75 करोड़ रुपए का, 172.75 करोड़ रुपीस का। और ये सब इंक्लूड करके इस मूवी ने अपना लाइफ टाइम टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था वो था 355.61 करोड़ रुपए का, 355.61 करोड़ रुपीस का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब रही बात बजट की, तो बता दे कि मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसका टोटल बजट था 178 करोड़ रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी टोटल 178 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जिसमें से 160 करोड़ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मूवी का बनने का कॉस्ट, उसके अलावा मूवी के प्रमोशन में टोटल 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, 18 करोड़ यानी कि वो था प्रिंट्स और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अगर दोनों को इंक्लूड कर दे तो मूवी का टोटल बजट है 178 करोड़ रुपीस का। अब बात करते हैं वर्डिक्ट यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि मूवी का जो नेट कलेक्शन था इंडिया का वो तो बजट से कम था, लेकिन मूवी ने जो ओवरसीज मार्केट में जो यानी कि इंडिया से बाहर जो कलेक्शन किया था वो बहुत ही अच्छा था। इसका मतलब ये है कि ये मूवी कहीं से भी लॉस पर तो नहीं है। अब आपको वर्डिक्ट की बात करें तो बता दें कि मेकर्स द्वारा इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट की वर्डिक्ट दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है हिट की। वेल, आपको बता दें कि इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को जो वर्डिक्ट दी है वो इसके ओवरऑल कलेक्शन के बेस पर दी है, यानी कि मेकर्स ने इस मूवी के थिएट्रिकल राइट्स के अलावा जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स से जो अलग से पैसा कमाया, मेकर्स ने उसे जोड़कर इसको ये वर्डिक्ट दी है। आपको बता दें कि मूवी के जो मेकर है करण जौहर, उन्होंने इस मूवी के राइट्स यानी कि इस मूवी की रिलीज से पहले ही करण जौहर ने इस मूवी के टोटल राइट्स को 160 करोड़ रुपए में बेचा था, यानी कि करण जौहर ने 160 करोड़ रुपए की रिलीज से पहले ही कमाई कर ली थी। करण जौहर ने इस मूवी के डिजिटल राइट्स को Amazon प्राइम वीडियो को टोटल 80 करोड़ रुपए में बेचा था। वहीं अगर हम सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो करण जौहर ने इस मूवी के सैटेलाइट राइट्स को कलर्स टीवी को टोटल 50 करोड़ रुपए में बेचा था। वहीं अगर हम म्यूजिकल राइट्स की बात करें तो म्यूजिकल राइट्स को सारे गामा को बेचा गया था टोटल 30 करोड़ रुपए में, 80 करोड़, 50 करोड़ और 30 करोड़, तीनों मिला के हो जाता है 160 करोड़ रुपए, यानी कि मेकर्स ने 160 करोड़ तो रिलीज से पहले ही कमा लिया था। मैंने जो आप लोगों के साथ इस मूवी का जो बजट और वर्डिक्ट को लेकर जो डेटा शेयर किया है वो इंडिया के सबसे बड़ी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की एक और वेबसाइट है सबसे पॉपुलर वेल नोन वेबसाइट पिंक विला, उसके अकॉर्डिंग इस मूवी का टोटल बजट है 220 करोड़ रुपए का, जिसमें से 200 करोड़ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाकी का 20 करोड़ प्रिंट्स और एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रमोशन कॉस्ट। लेकिन दोनों ही वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस मूवी को हिट की वर्डिक्ट दी गई है। मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसका जो टोटल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 355.61 करोड़ रुपीज का, इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2023 की हिंदी मूवीज की लिस्ट में 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। नंबर 1 पर है जवान, नंबर 2 पठान, नंबर 3 एनिमल, नंबर 4 गदर 2, नंबर 5 डंकी, नंबर 6 टाइगर 3 और नंबर 7 पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अभी जो मैंने आप लोगों को जो भी मूवीज के नाम बताए हैं, अगर आप लोग इन सभी का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस मूवी के कुछ फैक्ट्स तो ऐसे होंगे जो शायद आप लोगों ने सुने भी ना हो। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि इस मूवी की कहानी पर लगभग साल 2006 से ही काम चल रहा था। सबसे पहले इस मूवी को सलमान खान के भाई सोहेल खान डायरेक्ट करने वाले थे साल 2006 में, और सोहेल खान ने इस मूवी को टाइटल दिया था माय पंजाबी निकाह, और उस टाइम सोहेल खान इस मूवी के अंदर सलमान खान एंड साथ ही करीना कपूर को लेने वाले थे, लेकिन बाद में करीना कपूर की जगह ये रोल कैटरीना कैफ को दिया गया था, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते उस मूवी को बीच में
ही रोक दिया गया था, जिसके बाद साल 2018 में उस मूवी के ऊपर फिर से काम करने का फैसला किया। और उस टाइम उस मूवी के अंदर सलमान खान की जगह सलमान खान के रिलेटिव यानी कि आयुष शर्मा उनको लेने की प्लानिंग की गई थी लीड रोल में। लेकिन आयुष शर्मा की जो पहली मूवी आई थी साल 2018 में लव यात्री, उस मूवी के फ्लॉप के चलते फिर से इस मूवी के ऊपर काम करने का आइडिया रोक दिया गया था। बाद में करण जौहर ने सोहेल खान से उस मूवी की कहानी को अपने पास ले लिया था और करण जौहर ने उस कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस करके फाइनली उस मूवी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के नाम से रिलीज किया था। फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो बता दें कि इस मूवी के जरिए जया बच्चन ने 13 सालों के बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी की थी। जया बच्चन की जो बॉलीवुड की आखिरी मूवी थी वो आई थी साल 2010 में, मूवी का नाम था आपके लिए हम। वही बात करें धर्मेंद्र की तो उन्होंने भी इस मूवी के जरिए 5 सालों के बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी की थी। धर्मेंद्र की जो इस मूवी से पहले जो आखिरी मूवी थी वो आई थी साल 2018 में यमला पगला दीवाना फिर से। अगर आप लोग यमला पगला दीवाना फिर से का लाइफ टाइम कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो बता दें कि इस मूवी के अंदर जो शबाना आजमी का रोल था वो सबसे पहले करण जौहर ने फॉर्मर इंडियन एक्ट्रेस एंड साथ ही सैफ अली खान की मदर शर्मिला टैगोर को ऑफर किया गया था। लेकिन शर्मिला टैगोर जी का उस टाइम कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया था। उनके मना करने के बाद ये रोल दिया गया था शबाना आजमी को। खैर आपको ये भी बता दें कि शर्मिला टैगोर जी ने ये फिल्म करने से तो मना कर दिया था, लेकिन जब वो कैंसर से पूरी तरह से रिकवर हो गई थी तो उन्होंने 13 सालों के बाद फिर से बॉलीवुड फिल्मों में वापसी की थी। शर्मिला टैगोर जी ने अपनी आखिरी मूवी साल 2010 में की थी, मूवी का नाम था ब्रेक के बाद। अगर आप लोग ब्रेक के बाद मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन ब्रेक के बाद शर्मिला टैगोर जी ने साल 2023 में फिर से बॉलीवुड फिल्मों में वापसी करी और उनकी साल 2023 की जो पहली फिल्म थी वो थी गुलमोहर। हालांकि गुलमोहर मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो बता दें कि इस मूवी के जरिए धर्मेंद्र एंड साथ ही जया बच्चन इन दोनों ने एक साथ लगभग 48 इयर्स के बाद साथ में काम किया था। इससे पहले इन दोनों ने साल 1975 में दो फिल्मों में साथ में काम किया था, एक तो थी शोले और एक थी चुपके चुपके। अगर आप लोग शोले या फिर चुपके चुपके का लाइफ टाइम कलेक्शन जानना चाहते हैं तो दोनों की ही वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो बता दें कि इस मूवी के जरिए धर्मेंद्र एंड साथ ही शबाना आजमी इन दोनों ने भी साथ में लगभग 35 सालों के बाद साथ में काम किया है। इससे पहले इन दोनों ने साथ में साल 1988 में आई मूवी मर्दों वाली बात, उस मूवी के अंदर साथ में काम किया था। तो चलिए अब इस मूवी से जुड़े कुछ अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस मूवी के लिए शबाना आजमी ने टोटल 4 अवार्ड्स जीते थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के। वहीं अगर हम करण जौहर की बात करें तो उन्होंने इस मूवी के लिए 3 अवार्ड्स जीते थे बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी के। वहीं बात करें आलिया भट्ट की तो उन्होंने इस मूवी के लिए टोटल 2 अवार्ड्स जीते थे बेस्ट एक्ट्रेस के। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।